मुरादाबाद में इन दिनों बुखार का कहर लगातार जारी है, जिसमें डेंगू बुखार से पीड़ितों की संख्या अब तक पूरे जिले में 105 से अधिक पहुंच चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक किसी भी मरीज की डेंगू के डंक की वजह से जान नहीं गई है, वहीं आम लोगों को लगातार डेंगू के डंक का डर सता रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार से निपटने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मंडलीय जिला चिकित्सालय में इन दिनों सामान्य और डेंगू बुखार के बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं ओपीडी में भी मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं पैथोलॉजी कक्ष में ब्लड सैंपल कराने आए मरीजों की भरमार है। सीएमएस संगीता गुप्ता के मुताबिक बदलते मौसम में डेंगू और वायरल फीवर के साथ ही अन्य बीमारियों के मरीज अस्पताल आ रहे हैं, जिनका ब्लड परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 4 से 5 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिल रहे हैं। सीएमएस के मुताबिक मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 16 बेड का अतिरिक्त वार्ड बनाया गया है, जबकि अन्य बुखार के मरीजों के लिए 50 बेड के वार्ड की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में अभी 9 डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि काफी संख्या में मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को खाने पीने के साथ ही मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है। सीएमएस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बुखार महसूस होने पर जांच कराएं, इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। वहीं घर के आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखें। घरों में कूलर, गमले और किचन में पानी इकट्ठा न होने दें। उन्होंने कहा कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसलिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, साथ ही रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। उनके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाई से लेकर देखभाल और साफ सफाई का बेहतर इंतजाम है। डेंगू हो गया था, होगा करीब 8-9 दिन होगा। अब कैसे तबीयत है? अब सही है फिलहाल, बढ़िया है। मैं करीब ऐसी सोमवार, एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है करीब। हाँ, ब्लड लेट चेक हुई थी 14,000। और अब कितनी है? अब करीब आज गई है तो रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, बेहतर बेहतर महसूस? बेहतर है, मतलब सही है, पहले से बढ़िया है, सही शरीर। अच्छा, जब आप एडमिट हुए थे किस तरह की कंडीशन थी? क्या कंडीशन? बहुत इस तरीके से दर्द हो रहा था, पैरों में बहुत विकट, सीने में दर्द, पेट में दर्द, बुखार चढ़ जाता था, एकदम उतर जाता था, इस तरीके से। दवाई वगैरह सब टाइम पे मिल रही है। किस तरह से बिहेवियर? बढ़िया है, बिल्कुल। अच्छा, जी ठीक है। साफ खाना वाना सब बढ़िया मिल रहा है। नाश्ता भी टाइम सब टाइम पे मिलता है। तो आप तो मन कर रहा होगा कि छुट्टी ना हो आपके यहाँ से? ना ना, ऐसे नहीं, अनजान जाना चाहता है। तबीयत बस ये है, सही अपने सही हो जाए, बढ़िया हो जाए, घर जाए। अभी आजकल फीवर का मौसम चल रहा है, जिसमें वायरल फीवर, डेंगू और सभी तरह के बुखार के मरीज आ रहे हैं। तो प्रतिदिन लगभग 250-300 के करीब बुखार के मरीज आते हैं, और 60-70 टेस्ट जिसमें से डेंगू के लग रहे हैं। रोज 4-5 पॉजिटिव केस निकल रहे हैं डेंगू के। जिला अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं डेंगू के मरीजों के लिए? जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए हमने 16 बेड का डेंगू का वार्ड बना दिया है, और बुखार के अन्य बुखार के मरीजों के लिए लगभग 50 बेड रिजर्व कर दिए हैं। और इस समय कल हमारे पास 15 मरीज थे डेंगू वार्ड में, आज हमारे पास सुबह कुछ छुट्टी हो गई है, तो 9 पेशेंट इस समय डेंगू के भर्ती हैं। सबको खाने का और दवाई की पूर्ण व्यवस्था है, मच्छरदानी सबको मिली लगी हुई है, वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था सब अच्छी तरह से मेंटेन। कई बार डेंगू जो है जानलेवा भी हो जाता है, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? डेंगू जानलेवा हो जाता है जो आप अगर इसको शुरू से ही इलाज करा लें, शुरू से ही आप प्लेटलेट्स वगैरह जांच कराएं और पानी की कमी ना होने दें बॉडी में, तो डेंगू जानलेवा नहीं हो सकता। तो इसमें सावधानियां ये बरतनी है मरीज़ को कि डेंगू का मच्छर सबको पता है कि दिन के समय काटता है, तो एक तो अपने घर इस मौसम में जैसे पानी भरता है, गमलों में पानी, गमलों की ट्रे में पानी है, कूलर में पानी है, फ्रिज की जो पीछे ट्रे होती है उसको हर सप्ताह में एक बार ज़रूर से साफ करना है, और डेंगू का लार्वा पनपने ही ना दें। दूसरा, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, और स्वास्थ्य विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, परंतु हर मनुष्य की भी जिम्मेदारी है अपने घर के आसपास सफाई रखने की।